अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे थे आप लोग? ओके अदर ब्लॉग के साथ आप लोग के साथ में जा रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइक की चेन लुब्रिकेशन की। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि बाइक की चेन लुब्रिकेशन जो है वो कैसे की जाती है। हम लोग बाइक की जो चेन की जो लाइफ है वो यूजली हर 5 से 6 हज़ार किलोमीटर पर एक बार आपके जो है उसको लुब्रिकेट करें। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप उसको कभी भी जो काला तेल है वो यूज़ ना करें। काला तेल जो है वो कभी भी यूज़ ना करें। यूज़ जो तेल है वो कोई भी लुब्रिकेशन के लिए कभी भी यूज़ ना करें। कभी भी आपको करना है तो फ्रेश ऑयल को जो है आप यूज़ करें ताकि उसकी जो चेन है, और उसके बाद आप उसको साफ़ करें कपड़े के साथ में, साफ़ करके तो फिर जो है आप उसको ऑयल जो है वो चेंज कर दें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी लुब्रिकेशन होती रहनी चाहिए, जब तक ड्राई चलेगी तब तक उसका ज़्यादा नुकसान। ओके नेक्स्ट जो है वो ये है कि बाइक की चेन जो है वो उसमें कितनी स्पेस होनी चाहिए। जो हर बाइक की जो चेन है वो डिफरेंट उसकी स्पेसिफिकेशन होती है। लाइक ट्रेल बाइक जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्ले होती है बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा जंपिंग करनी होती है ऊपर नीचे करना, इसलिए बाइक में जो चेन है चेन में प्ले होनी चाहिए। बिना प्ले के चेन जो है वो आपको नुकसान करेगा। इसी तरह मैं आपको आप दिखाऊँगा कि हम ऑयल की लुब्रिकेशन जो है कैसे कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि जो ऑयल का लुब्रिकेशन का है प्रोसीजर क्या है। इट्स वेरी इजी, इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। आप कोई भी साफ ऑयल जो है वो ले लीजिए, लाइक जो भी है ऑयल उसको ले लें। अगर आपके पास कोई, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप, कभी भी लोग कहते हैं जी WD-40 यूज़ करें, आप पेट्रोल यूज़ करें, आपने कुछ भी यूज़ नहीं करना, ना ही WD-40 यूज़ करनी है। इसके अंदर जो रबर होती है वो WD-40 जो होती है वो बर्बाद कर देती है उसको, ठीक है। ना ही आपने पेट्रोल यूज़ करना है, हमेशा चेन को ऑयल यूज़ करना है आपने, नहीं है तो इसके लिए जो बेस्ट इसकी खुराक जिसको हम समझी जाती है वो है मट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल ले लें आप, इट्स द बेस्ट थिंग एवर मेड फॉर दिस थिंग। ओके, जो कि आपकी चेन को जो है सबसे ज़्यादा, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप ढक्कन में या कहीं पे भी ले लें आप चेन को, आप साथ साथ जो है वो थोड़ा थोड़ा, इतने ज़्यादा तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा ऑयल ले के उसको ईजीली लुब्रिकेट करें। तरह पूरी चेन को कोशिश करें कि वो एक बार लुब्रिकेट हो जाए। अच्छा, ये करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि पूरी चेन को ऑलमोस्ट लुब्रिकेशन हो गई है, ठीक है। इसकी कोशिश करें कि आप इसको, आप सुनेंगे अभी साउंड भी, आपको कोई साउंड नहीं आएगा बिकॉज इसके सारे साउंड जो हैं वो ऑयल की वजह से ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। फिर इसको आप 10 मिनट के लिए कोशिश करेंगे छोड़ दें ताकि ऑयल जो है वो जहाँ जहाँ पे जाना है, जो उसके पोर्स हैं, जो उसके जॉइंट्स हैं, वो उसमें अच्छे तरीके से वो चला जाए। ओके जी, तो अभी हम लोगों ने इनको, इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अभी हम क्या करेंगे, आप ये देखें आपको शायद नीचे निशान नज़र आ रहे होंगे कि ऑयल गिरना शुरू हो गया। तो इसमें क्या करना है आपको, ऑयल देने के बाद, कोई भी मोबिल ऑयल देने के बाद आपको चेन को साफ़ करना है। कोई भी आप कपड़ा ले लें, ठीक है, कपड़ा लेके आप कोशिश करें कि जो आपका ऑयल लगा हुआ है आप उसको साफ़ करें। उससे क्या होगा कि जो आपके टाइल्स हैं या जो आपका फ़र्श है, जो घर में जहाँ पे आपने खड़ी की है वो, योर पार्किंग, ठीक है, वो जगह जो है वहाँ पे ऑयल नहीं गिरेगा और ना ही निशान पड़ेंगे, ठीक है। तो जो गंदा ऑयल होता है उससे क्या होता है कि जब ये चलेंगी नेक्स्ट, तो इसके डेफिनेटली उसकी एक पावर होती है, उससे क्या होगा कि ये सारी जगह पे छींटे पड़ेंगे, इसके इसका जो कवर है चेन कवर वो भी अंदर से ग्रीस से भर जाएगा, ठीक है, जो टायर है, रिम है, और जिधर जिधर से चेन चलती जाएगी वो सब के सब जो हैं वो उससे ऑयल से भर जाएंगे, ठीक है, निशान से भर जाएंगे। अब ये देखें, हमें जो हमारा मकसद था, जो उनके जॉइंट्स को ऑयल देना था, वो हमारा मकसद पूरा हो गया।
ठीक है, आप इसको आप छोड़ दीजिए और नेक्स्ट जब आप सर्विस करें, ठीक है, सर्विस करने के बाद मीनिंग वॉशिंग करने के बाद एक बार इसको ब्रश के साथ साफ़ करें, ये चैन की लाइफ को और बढ़ा देगा। देखिए ये छोटी छोटी बातें होती है, चीज़ें होती है जिसकी आप केयर करोगे तो वो ज़्यादा देर चलेंगी, लॉन्ग लाइफ चलेंगी, ठीक है। तो आज का यही वीडियो था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर दें, बिकॉज आप लोगों के कमेंट्स से ही मुझे पता लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, राइड सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।